हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है। देखिए, बॉडी में होने वाला वो प्रोसेस जिसमें अगर मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है या बन रहा है, ठीक है, फॉर्म हो रहा है, तो वह बॉडी के वन पार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट अगर जा रहा है, आवश्यक भी है जानना, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि मटेरियल जहां पर एब्जॉर्ब होता है या जहां पर बनता है, कोई ये ज़रूरी नहीं कि वहीं पर उसका यूटिलाइजेशन हो। यूटिलाइजेशन कहीं और बॉडी के अदर पार्ट में भी हो सकता है, इसलिए बॉडी में जहाँ पर मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है या सिंथेसाइज हो रहा है, वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना आवश्यक होता है। इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन को एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस मानते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैरीड टू आर carried to other parts of the body is called transportation. अब देखिए, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली ब्लड पाया जाता है, ब्लड ही मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग में अगर देखेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा होता है, इन ह्यूमन बीइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस प्लेस थ्रू थ्रू द ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। और फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर देखेंगे या फंक्शंस ऑफ ब्लड ब्लड इन ट्रांसपोर्ट इसमें देखें तो ब्लड फूड सॉल्ट ऑक्सीजन CO2 वेस्ट मटेरियल इनका ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर वन, ब्लड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फूड मिनरल साल्ट्स, हम केवल साल्ट्स लिख दे रहे हैं, O2 ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स के का ट्रांसपोर्ट करता है।
ठीक है, ये होता है। अब ब्लड के बारे में और कुछ पॉइंट्स हम लोगों को जानना चाहिए। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड किससे कॉन्सिस्ट होता है वो देखें तो ब्लड कॉन्सिस्ट होता है एक फ्लूइड मीडियम और उसमें सस्पेंडेड सेल्स से। ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम है उसको प्लाज्मा कहते हैं और उसी ब्लड प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स एम्बेडेड रहते हैं। ब्लड इज कॉन्सिस्ट ऑफ a fluid medium called blood plasma या plasma in which cells माने blood cells, ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड उसमें ब्लड सेल सस्पेंड रहता है। ब्लड प्लाज्मा का काम होता है, ब्लड प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट करता है, सेल भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड प्लाज्मा किसको किसको ट्रांसपोर्ट करता है वो जान लें। ब्लड प्लाज्मा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का, और नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है और डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब यूरिया आप समझ सकते हैं ह्यूमन बीइंग में। इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। और जो ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, इसमें मेनली RBC ट्रांसपोर्ट O2 यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जानते हैं ब्लड की पंपिंग हार्ट के द्वारा होता है। ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट। हार्ट के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है। और हार्ट क्या है और हार्ट की वर्किंग क्या है उसको नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे।